गाइस स्वागत करते हैं किट्टो ब्लॉग्स के नए चैनल पे। तो यहाँ पे रात का टाइम हो गया, पार्टी बना के आ गए हैं। तो यहाँ पे वंदना भी कह रहे हैं मत जाओ, लेकिन ऋषभ का कल एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम है इसका। ऋषभ कल ड्राइंग का पेपर है, मम्मी यहाँ तो घर भी है। तो जाते जाते वंदना जी मुझे दे रहे हैं थैंक यू। वंदना जी थैंक यू सो मच। 12 बज गया, 12:30 बज रहे हैं यहाँ पे, ये जा रही है। लड्डू डू खाना है क्या? नहीं, ये हम खाना थोड़ी जल्दी है। चलो ठीक है, तो ले लिया। कि तो पैक कर दूं? अरे ले, तुम टिपिनिया लाके, टिपिनिया कहाँ रखी हो? टिपिनिया में डाल लो। एक और केक था, वो भी ले जाओ। ले जा रहे जाओ, हम लोग नहीं खाएंगे। पर आखिर ऐसे रखा कर रखा रह जाएगा, हम नहीं खाते हैं। लो ये भी ले जाओ। पानी आएंगे ना? नहीं, वो तो खुद ही देकर गई वही। अरे तो केक देंगे क्या किसी को? इधर कोई नहीं आ रहा है। पैक मत करो, इसे इधर रखो इसे। हाँ, उसमें डाल दो। ए, क्यों फ्रिज खोल रखा है? फ्रिज ऐसे नहीं खोल के रखते हैं। कोल्ड ड्रिंक रखी? कोल्ड ड्रिंक नहीं है, वो छोटा सा लिमका। अभी वहाँ पे इतना पी के आयो, और साइनस की वो है दवा चल रहा है, पैसा फ्री में आता है। ये ऋषभ क्या लाई थी? मम्मी एक छोटा टिफिन लाया। हाँ, मेरे पास नहीं था ऐसा टिफिन। अरे पार्टी में कैसा लगा? बंदी निकाल रहा है ये। आप बोल रहा था कि नहीं, बंदा बोले थे कि नहीं मेरी बच्ची नहीं निकाले थे। हाँ, ले जाओ। हमें पार्टी में नहीं अच्छा लगा, क्योंकि देखिए मैं ना खा खा के थक गई थी। खा खा कर नहीं, जितना बड़े अब घर पे होता है बाद में। ये तो है ठीक। हाँ यार, तो मजा आता था। बंद हो गया ना? हम लोगों ने ऐसा पार्टी की। बंद हो गया। सब कुछ रख लियो ना? बाप रे, वो अपना मोबाइल ये छोड़ के जाते रहे हैं। डेढ़ बजे पहुंचे, बताओ खुश रहा कि बताओ पहले क्या चुप रहा तू? एक में हालत का गाड़ी आराम से लाया। कत रहे जाने दो। ये भाई नहीं, इस समय नहीं देखे जाते हैं। मैंने तो कह रहे ने हाँ दिए हैं, पन्ने नहीं दिए, पन्ने फेंको दिए। हैप्पी बर्थडे के तुम थैंक यू। हैप्पी बर्थडे ऋषभ। मेरा बर्थडे पार्टी, मेरा पैंट उल्ट रख ली थी ना। चलो इसे फिर आना ना। नहीं आएंगे। क्यों? लड्डू ले जाओगे? इतना मंदिर में रखा हुआ भगवान जी का प्रसाद ले जाना है तो ले जाओ। बेबी तेरे बर्थडे पे गोली चलवा। बिस्तर सोए डेढ़ दो बजे पहुंचे, सुबह 6 बजे उठा। कहा हमारा जिंदगी बैठे 6 बजे की उठोगी? 8 बजे तो 8 बजे जाता है ना। मैंने उठा तैयार करा हुआ है, कितना मस्त हवा आ रहा है ना। नहीं कोई बात नहीं, बट बुला लिफ्ट। चलो फिर बाय बाय ऋषभ। बाय 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 किट्टो, आराम से आना ठीक है। यहाँ पे मैं अलमारी साफ कर रही हूँ, मेरा अलमारी बहुत गंदा हो गया था। और यहाँ पे बेडशीट वगैरह लगा रहे हैं, तो उसका जो जो काम अपना काम कर ही रहा है पार्टी में आने के बाद। बाकी रात में देखा कर रहे हैं, ये मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं कुछ कह दी चाहे ऐसे फिर ही है आप देखिए चलते हैं, सब कुछ पहले सही से कर देते हैं, फिर तो ज़्यादा चले जाए ना तो उनको बड़ा घबराहट हो जाता है। डेली कपड़े एक तरफ, वैसे कपड़े एक तरफ, वैसे कपड़े एक तरफ, सब कुछ एक एक तरफ करके रख देती हूँ। जितना भी आप ना सही से कपड़े रख लो ना, उतने ही बिखरते रहते बिखरते रहते हैं। मैंने ये महसूस किया है। चलिए गए, इसको हम सही से पहले सब कुछ कर लेते हैं, फिर आप लोगों से पूछ लिए।
शाम का टाइम हो गया, मम्मी ने पकौड़ी चाय बना के दे दिया, हम लोगों ने खा भी लिया, बाबू का कपड़ा मैंने चेंज कर दिया, आज हमने बहुत सोया, बहुत ज़्यादा सोया, इतना नींद आ रही थी कि बहुत ज़्यादा सोया। बब्बी तेरी बर्थडे पे गोली चलवाएंगे, गुड़गावा में तेरे नाम गोली चलवाएंगे, डेरी खुलवाएंगे बब्बी ते। तो गाइज आप लोग देखे हैं अमित एंड किट्टो जैसल की यूट्यूब चैनल पे कि हमने इन्होंने मुझे क्या गिफ्ट दिया और कैसा लगा, तो मैं इस ब्लॉग में आप लोग को गिफ्ट अनबॉक्सिंग दिखाऊंगी कि मुझे क्या क्या मिला है। ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। बाकी सारा गिफ्ट वहाँ पर रखा हुआ, आप लोग देख सकते हैं, दिख रहा है, ये दिख रहा होगा कि नहीं, पता नहीं दिख रहा नहीं है, तो मैं चलती हूँ आपको गिफ्ट खोल के दिखाती हूँ। मेरे बाबू के लिए अले ले 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 बाबू है क्या, हाय करो बिट्टू, हाय करो सबको। ओले बापरे, कल मेरे बाबू को इंजेक्शन लगेगा 1.5 महीने का, तो चलेंगे देखते हैं। कौन यहीं लगवाओगे ना, तो कहीं बात किए हो, ऐसे थोड़ी ना लग जाता है। बाबू को कल पेन लेस वाला लगवाएंगे, बाप रे 3 सुनते हैं, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती है जिसमें बच्चा परेशान करता है। अरे देखो देखो देखो, अभी से परेशान कर रहा है, अभी से अभी से अभी से परेशान कर रहे हो, अभी से अभी से, नहीं 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 नहीं, देखिए मैंने पापा की शादी। अच्छा ठीक है, मैं इसको देख लेती हूँ गाइस। अभी तो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा बाल वगैरह झाड़ लियो, बाबू मेरे टेढ़ा देख रहा है, देख रहे हाँ, ये बोलते हैं इसकी मम्मी फैकट बाजे ऐसे बोलते हैं। तो इतने सारे गिफ्ट्स मिले हैं, ज्यादा लोग तो हम लोग बुलाए नहीं थे, और जिसमें से मैं आपको इनमें से ये दिखाऊंगी कि मेरे पतिदेव ने मुझे क्या दिया है, पतिदेव ने मुझे क्या दिया है। रिंग लाइट कहाँ रखे हो, सवेरे खाना बनाया नहीं। मम्मी अपने ससुराल बात कर रही है, इस मतलब कि घर पे मेरे मायके में बात कर रही है अपनी देवरानियों से। देवरानी इनकी फोन की है, मेरी मम्मी की देवरानी लोग कॉल करती रहती हैं, मेरी मम्मी से बात करती रहती हैं, दीदी नमस्ते, दीदी कब आइबू, दीदी कब आइबू, मम्मी बोली आ जाएंगे आ जाएंगे। ये मम्मी का रहता है, हमारी मम्मी 6 देवरान जेठान हैं, जिसमें से मम्मी कभी मम्मियों के बीच में चाचियों के बीच में झगड़ी झगड़ा नहीं होता, भगवान करे ना कभी हो। मम्मी मेरी सबसे बड़ी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इतने सारे गिफ्ट्स में से एक गिफ्ट, यार ऊपर दिखाते हैं मेला नहीं। चलिए गई मैं दिखाती हूँ, ठीक है। परिवार खुश नसी, आप लोग ने देखा होगा पर इतना ध्यान से नहीं देखा होगा, तो ये पतिदेव ने हमको ये दिया है ब्रेसलेट, जो कि बहुत ही प्यारा है। ये देखो आप लोग कितना काफी सुंदर लग रहा है, मैं इसको पहन के दिखाती हूँ। ये देखो गाइस ऐसे दिख रहा है, ये देखो
कभी जैसे कि जीन्स सूट वगैरह पहने, एक हाथ में पहनो एक हाथ में घड़ी पहन लो तो काफ़ी सुंदर लगेगा। तो ये देखो मैं पहन के दिखा दे तो समझ में आएगा। ये देखो अच्छा लग रहा है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच पति देव, आपने मुझे आप मुझे इतने सोने के बौछार कर रहे हो। इतना सब कुछ कहने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम ये रिंग्स पहने, नहीं तो मैंने कभी, ये हमारे मायके से आया था, ये हमारे पति देव ने दिया था और ये भी हमारी एनिवर्सरी पे मिला था। तो बस अब मैं, मुझे भी शौक चढ़ रहा है कि मैं भी सोना सोना पहनूं, जो खरीदूं यार जिंदगी। सब लोग बोलते हैं ये अब नहीं पहनोगी तो कब पहनोगी, तो मैं अब पहनूंगी तब का तब देखा जाएगा। क्या कर रहे हो? उतर रहा था। अच्छा मेरा लल्ला आ गया, अब मैं अपने लल्ला के बारे में। असली सोना तो ये है मेरा, आओ कर दो स्पीकर। हाँ। नहीं सुनाई दे रहा है? हाँ। सबसे नीचे लास्ट में दबा दीजिए, सबसे नीचे। सबसे उधर। हाँ भाई, मम्मी को बताना पड़ता है, मम्मी को नहीं पता है। तो मेरा सोना चांदी अब यही है, हीरा मोती जवाहरलाल नेहरू सब कुछ मेरा यही है, मेरा बेटा। अब मैं इनके बारे में सोचूंगी, अब अपने बारे में बाद में सोचूंगी, सबसे पहले इनके बारे में सोचूंगी। तो यही मेरी जान है, यही मेरी धड़कन है, यही मेरी तड़प है, यही मेरी पहचान है। तो गाइस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे पतिदेव की चॉइस कैसी है ये भी कमेंट करके बताना। लेकिन मैं चाह रही थी कि ये ले ली हूँ, एक मैं और लेती कुछ। एक और क्या लोगी, कुछ जान लोगे पति का? अरे भैया इतना दे तो दिया, बस अरे मेरा दूसरे हाथ का बन के आएगा। हाँ तो वही चीज, ढुक्कू ले लिया। ढुक भैया इनके पापा ने इनका नाम रख दिया है, जब ये दूध पीते हैं ठिकान नहीं लेते हैं तो बोलते हैं ढुक भैया लो दिए। पापा ऐसे नहीं करते, करते सारी फैमिली को बोलो रहता है, बोलो श्री शिवाय नमस्ते भैया। मेरे बाप, मेरा बाबू भोलेनाथ के रूप में आए हैं, तो मैं इनको अपने भोलेनाथ मानती हूँ, अपना पूजा, इनकी पूजा नहीं करती लेकिन भोलेनाथ मानती हूँ। और कान्हा जी के अंश हैं। वैसे मैंने क्या किया था, मैंने शिव जी का, मतलब कि शिव जी को जल जो अर्पित किया जाता है, उनको समर्पित किया जाता है, उनको पी, उनको चढ़ाने के बाद मैं पीती, पी करके बाबू जैसे मैं पीती थी, पेट में लगा था तो हर जगह लगने के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो इसलिए मैं इनके शिव जी का अंश मानती हूँ कि भगवान ने मुझे अपने रूप में बेटा भेजा है। तो चलिए गाइस ब्लॉग को ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं और ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब, बाय बाय। और कैसा लग रहा है कमेंट करके भी बताइएगा।